मैं ऑफिस से आ गई हूँ और आई हूँ तो घर पे तो जो माहौल होता है वो तो सभी को पता है। आर्यन एज यूजुअल पढ़ाई करके आए ट्यूशन से और मोबाइल पे लगे हुए हैं। मोबाइल नहीं, इसको टैब कहते हैं। हाँ वही टैब, मोबाइल और टैब में क्या अंतर है। और अजी भी आने वाले हैं, अभी फ़ोन आया था तो मैंने बोला दूध वगैरह के पैकेट लेकर आओ, कुछ चाय पानी पिया जाए, फिर आगे का सोचे कि क्या करना है। आर्यन कैसा था दिन बेटा आपका? क्यों अच्छा क्यों नहीं गया? अच्छा क्यों नहीं गया बेटा? मेरा दिन अच्छा इसलिए नहीं गया क्योंकि आज मैंने ब्लेजर लिया नहीं था क्योंकि मम्मी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा क्या हुआ कि मैं स्कूल गया तो वहाँ पे पहले बोला कि जो अपनी जैकेट है वो उतारो, तो मैंने अपनी हाफ स्लीव वाली टी शर्ट थी मेरे पास, तो मैं दो पीरियड तक ठंड में वहीं खड़ा रहा और बस बाकी सारे बच्चे भी डांट खा रहे थे तो मैं भी डांट खा रहा था, दो पीरियड में उधर ही। और स्कूल ने इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करी कि ये है कि फुल स्वेटर अलाउड ही नहीं किया, सीधा नहीं वो कर दिया क्या कहते हैं ब्लेजर, और जो पुराना ब्लेजर था उसको भी हटा दिया, कोई नया ब्लेजर लाए, तो जो पुराने ब्लेजर वाले बच्चे थे उनको फिर से नया लेना पड़ेगा, वो भी 1400 के। नहीं तो मुझे ये नहीं समझ। चाय बनाए? चलो ठीक है, चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर बातें करते हैं। ओके। और आर्यन जी अब चाय नाश्ता हो गया है, अब पढ़ने का टाइम है तो लाड कर रहे हैं ताकि पढ़ाई में टाइम और थोड़ा मम्मी को लाड कर लूँ ऐसे ही, ताकि थोड़ा पढ़ना ना पड़े, थोड़ा टाइम और वेस्ट हो जाए, है ना बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्या सोचते हो ना, जो सोच भी नहीं सकते हो वो मैं सोच लेती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब जो तुम कह रहे थे ना आप मम्मी थोड़ा तुम अच्छे से बातें कर लो, तो मैं समझ रही थी तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें बस ये कि थोड़ी देर मम्मी के साथ बातें करूँगा और मेरा टाइम रुकड़ा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। ओ मेरे बचाओ, मेरे छुनाओ, मेरे बचाओ, मेरे छोटू छोटू मोटू, ऐसा नहीं है। हाँ तो क्या है? एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा चलो बताओ। जिस दुनिया की हर माँ को होती है। अच्छा। मम्मी कभी अपने लड़कों के दुख नहीं समझ पाती। क्यों नहीं समझते? भगवान ना करे किसी मम्मी के लड़के का दुख मिले। पढ़ते समय बच्चों को अपनी मम्मी के बहुत याद आते हैं उनको याद आ जाते कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या क्या किया होता है, इसीलिए वो अपनी माँ को थैंक यू बोलते आ जाते मम्मी थैंक यू, आए मेरा बच्चा थैंक यू मम्मी। चलो भाई अब स्कूल, अब आज स्कूल में क्या वैसे बाकी पढ़ाई वढ़ाई हुई थी? नहीं नहीं, हाथ तो इतना मोटा सा हाथ है मुझे अच्छा। पूरा दिन कुछ पूरा दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई आज? नहीं। तो पूरा दिन किया क्या तुम लोगों ने? कंप्यूटर वाली मैम है उनके पीरियड में ही सो गया था। तुम सो गए थे क्लास में? हाथ धो गई है क्यों? पीछे बैठ कर सो गया। आर्यन उपाध्याय मेरे क्लास का मॉनिटर है, उसने कोट मेरे ऊपर रख दिया श्रद्धांजलि देने के लिए, मैं पीछे सो गया और टीचर भी मुझे देखा, फिर देखा करके वो भी क्या करे, बहुत ठंडी है ना बच्चे बेचारे ठंडी में सो नहीं पाते ना। कल तो वो है रजिस्टर डे होता है। अरे रजिस्टर डे नहीं, वो मंथ है बेटा, मंथ के एंड को रजिस्टर डे कहते हैं। उस दिन वो जो बच्चों की अटेंडेंस शीट बनती है, क्या मतलब कितने दिन का उनसे बच्चे नहीं, ये बोलो कि टीचर्स का ये होती है भाई, सारे टीचर्स को काउंटर पे चले जाते हैं पैसा 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 नहीं, और वैसे सैलरी एक ही को आती है बेटा, पैसा 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 लेने जाते हैं और टीचर्स और बेटा सैलरी एक ही को, एक तारीख को सैलरी आएगी। हाँ पैसा 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 अब वो आप सबके अकाउंट में आती है, पैसा 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 चाहिए सब लोग को, पैसा इनको भी पैसा चाहिए पैसे वाली लोग हैं ये, पैसे वाले इन लोगों से पैसा चाहिए, पैसे बेटा पैसा क्या पैसे थे आज, अब खाना पीना खरीदना है तो पैसे। हमने अपना पूरा खाना खा लिया, मम्मी अपना फिर से लेट गई हैं, पापा अपना उधर न्यूज़ देख रहे हैं, और मेरा एक ये टैब पड़ा हुआ था और ये आज ऑन हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऑन हो गया। सारे गेम्स, खूब सारे गेम्स पड़े हुए, एक तो वो क्रिश वाला जो आया था उसे वो भागता रहता है, टेम्पल रन, सबवे सफर, सब मेरे एकदम लेवल अच्छे वाले होंगे, बस देखते हैं कि ऑन हो जाए और गेम्स उसमें हो, पता नहीं ऐसा ना कि गेम्स ही गायब हो जाए। सो और एक मेरा ये टैब है, ये तो बाद में आया है, वो वाला पुराना, और उसी में मैं सबसे ज़्यादा गेम्स खेलता था पहले जब मैं 5th या 4th में था। सो मम्मी
मम्मी को आ रही है नींद, मम्मी जा रही है सोने, मैं भी जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मम्मी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। सो आज का ब्लॉग मैं यही रैप अप करूंगा, आई होप आपको अच्छी लगे। और मम्मी वो चार लाइनें क्या जरा बताना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट कौन बोलेगा? हाँ, कमेंट भी दीजिएगा, कमेंट भी करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम लोग इंतजार करते हैं और हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं। बाय।